हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंट्रेंस पेपर क्लियर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सीरीज दी हुई n = 1 टू इनफिनिटी माइनस 1 टू द पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर 2n। द सीरीज कन्वर्जेंस कंडीशनली बट नॉट एब्सोल्युटली, द सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली, द सीरीज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। बेसिकली हमें फ्रेंड्स इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करनी है तो यहां से हम चेक करते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं यहां से। ये है हमारे पास माइनस वन टू द पावर एन 2n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर 2n। ये है हमारे पास, बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं हम, यू एन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। बट हमें क्या चाहिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम मोड यू एन चेक करते हैं। तो मोड यू एन, तो मोड यहाँ पे लगाना होगा। जब यहाँ पे मोड लगाते हैं तो माइनस 1 टू द पावर n का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो गया मोड यू एन बराबर 2n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर 2n। अब फिर से ये हमारे पास सीरीज है, अब इसको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है। अगर ये यहां से कन्वर्जेंट निकलती है तो हम कहेंगे ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब फिर से यहां से हम डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं। डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट कहता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un अगर लेस देन वन हो, तो उस कंडीशन में सीक्वेंस जो होता है, सीरीज जो होती है, सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ये हमारे पास डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट है। अब फ्रेंड्स यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास यू एन है, तो यहां से हमारे पास यू एन, मोड यू एन बराबर था हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर 2n। ये था, तो ये हमारे पास हो गया यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी यू एन प्लस 1। तो n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर, सॉरी ये हो जाएगा n प्लस 1 टू द पावर 2n प्लस 2। जब n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे हर जगह तो ये आ जाएगा अपॉन यू एन, तो यू एन इसके नीचे आएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे लिखना होगा, बट जो नीचे वाले जो ऊपर वाली टर्म आएगी वो यहाँ आ जाएगी हमारे पास 2n फैक्टोरियल, और जो डिवाइड में जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n टू द पावर 2n। ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर हम चाहें तो इसको और इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 डॉट 2n फैक्टोरियल, ये हो गया, और n टू द पावर 2n यहां है। और यहां से अगर देखें तो यहां से अगर हम n कॉमन ले लें तो n कॉमन लेंगे तो यहां से क्या कॉमन आएगा, n टू द पावर 2n प्लस 2, तो n टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n इसी बार 2n प्लस 2, और ये हो गया हमारे पास यहां से 2n फैक्टोरियल। अब फिर 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कट जाएगा, n टू द पावर 2n से n टू द पावर 2n कट जाएगा, ओनली n स्क्वायर बच जाएगा। तो यहां पे n स्क्वायर बच गया, इसको n 2n लिख देते हैं, ये हो गया। अब अगर हम यहां से इन दोनों में से, इसमें से n कॉमन ले लें और इसमें से n कॉमन ले लें, तो हमारे पास ये चेंज होकर आ जाएगा, यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा अगर जब हम कॉमन लेंगे n, तो 2 प्लस 2 बाई n, ये हो गया। एंड यहां से हमारे पास जब कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 बाई n और n स्क्वायर बाहर आ गए, तो ये हो गया हमारे पास अपॉन, यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास n स्क्वायर एंड यहां पे है हमारे पास n प्लस
वन बाई एन टू दावर टू एन प्लस टू, ये हमारे पास तो एन स्क्वायर से फ्रेंड्स एन स्क्वायर कट जाएगा। अब फिर से अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, अब यहां से अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास ये आ जाएगा एन टेंस टू इनफिनिटी पे ये जो है हमारे पास जीरो पहुंच जाएगा, ये जीरो पहुंच जाएगा, और ये इसको हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एन प्लस टू, बट हमें चाहिए ऊपर एन ओनली, तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास टू, अगर कॉमन ले लें यहां से टू कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस वन अपॉन एन, ये हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं टू प्लस वन अपॉन एन ये ना, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे हमारे पास और ये एन वन था वन प्लस वन अपॉन एन, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस वन अपॉन एन का स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर टू एन, ये लिख सकते हैं यहां से। तो यहां से अगर हम देखें तो वन अपॉन वन प्लस एन ये कट जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दे तो लिमिट अप्लाई करने पे ये हमारे पास आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करने पे ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर, क्योंकि ये तो टू इंटू टू फोर हो जाएगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये जीरो, ये जीरो, टू इंटू टू फोर, और ई टू द पावर यहां से अगर देखें यहां से हम लिमिट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये हो गया फ्रेंड्स। अब अगर हम ई की वैल्यू देखें तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है लगभग 2.73 के आसपास, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2.73 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2.4 से ऊपर जाएगा, इसका स्क्वायर जो है ऊपर 4 से बढ़ जाएगा, तो ये नंबर जो है लेस देन 1 है, तो यहां से हमारे पास हो गया कि ये नंबर जो है लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है तो हमारे पास यहां से हो गया है मोड यू एन इज कन्वर्जेंट, मोड यू एन इज कन्वर्जेंट इंप्लाई यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो यहां से पास हमारे पास जो ऑप्शन था कि मोड यू एन जो यू एन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस आगे सोल्व करेंगे, और आगे के क्वेश्चन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर तैयार कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।